हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का सिलेबस फिजिक्स का, जिसमें हम आज से पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि बोर्ड्स के हिसाब से, NCERT के हिसाब से इस चैप्टर को कितना बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, जिससे कि आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, NCERT के हिसाब से मैं पूरा डिस्कस करूँगा, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उनको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा ये पूरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको बहुत बार लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक के नाम से जानते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज इन रेस्ट। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है ना रेस्ट में है, तो उस समय चार्ज का बिहेवियर कैसा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो शुरुआत में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाए कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो वो कैसा बिहेव करेगा। अब सवाल सिंपल सी बात है कि अगर मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि हमारे पास ये जो भी कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, तो उसमें सबसे पहले मुझे ये जानना है कि व्हाट इज चार्ज, क्योंकि सब कुछ चार्ज से रिलेट करता है, तो हमको सबसे पहले चार्ज के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप इसके नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो आइदर आप इसको स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, या तो आप इसको कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चार्ज है क्या, तो चार्ज को आप बड़े आसानी से बोल सकते हो कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। क्या बोलेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर व्हिच इज एबल टू गिव द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज वेल एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी दे सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे सकता है। और ये चार्ज जो है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए मैटर का। जब मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आती है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास एक चार्ज एग्जिस्ट करे, हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करे और मास एग्जिस्ट ना करे। चार्ज एग्जिस्ट बट मास डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये क्यों नहीं हो सकता, असंभव है ये कि अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है और मास एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर मास है तभी जाके चार्ज हो सकता है, अगर मास है तभी जाके चार्ज हो सकता है। आप इसको अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपके पास मास है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब चार्ज एग्जिस्ट ये भी पॉसिबल है और चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट ये भी पॉसिबल है, चार्ज नॉट एग्जिस्ट ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब सिंपल सी कहानी आप क्या समझे हैं कि अगर एक मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑन ए बॉडी चार्ज एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करता हो लेकिन मास एग्जिस्ट करता हो। अगर मास एग्जिस्ट करता हो ये चलेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। बट ये कभी नहीं हो सकता कि चार्ज एग्जिस्ट करता हो और मास डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या बोलूंगा, मास डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कभी नहीं है कि मास आपका एग्जिस्ट ना करे और चार्ज एग्जिस्ट करता हो। इससे क्या समझ आया आपको, कि इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। और अगर आपके पास चार्ज प्रॉपर्टी का मैटर है और व्हिच इज एबल टू गिव द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो इसका मतलब है कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज जो आपको समझ के रखना है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो चार्ज इच, ऐसा लिख सकते हैं कि चार्ज इच एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इच एसोसिएटेड विथ मास
चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब वही है कि चार्ज अगर होगा तभी जब आपके पास मास होगा, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि मास इज एसोसिएटेड विथ चार्ज। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, बट ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मास इज एसोसिएटेड विथ चार्ज, ये एक गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। ऐसा क्यों माना जाएगा? क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत बार ऐसा संभव है कि एक बॉडी है जिस पे मास तो है बट चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ बातें जाननी चाहिए चार्ज से रिलेटेड। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज। अब मैं बोलूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले अगर आपको मैं पूछना चाहूँ कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अच्छा, बॉडी के बारे में अगर आप बात करते हो ना, तो बॉडी भी दो तरीके को होंगे। एक बोल सकते हो चार्ज्ड बॉडी और दूसरा बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी चार्ज बॉडी के बारे में बात करते हैं, या सिंपल आप बॉडी के बारे में बोल सकते हो, तो वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपके पास चार्ज बॉडी जिस पे चार्ज है, और दूसरा क्या है आपके पास? अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, आप इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहेंगे तो ये लिखिए, यहाँ पे बॉडी लिख लीजिए कि जो भी हमारे पास मास है या जो भी हमारे पास चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि चार्ज बॉडी, या आप यहाँ पे बोल सकते हो अनचार्ज्ड बॉडी। क्या बोलेंगे? अनचार्ज्ड बॉडी। अब चार्ज बॉडी का क्या मतलब है कि बॉडी पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, बॉडी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड या आप ऐसा ही बोल सकते हो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। सही है क्या? और ये जो अनचार्ज्ड बॉडी होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल बॉडी। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं किसी भी बॉडी के बारे में बात करता हूँ, तो बॉडी में बड़े सारे एटम्स मिल के बने हैं, बहुत एटम्स है कि नहीं बोलिए, और किसी भी एटम्स के अंदर में क्या होता है अगर आप मुझे बताएंगे, तो एटम्स के अंदर में आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करते हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। सवाल बहुत सिंपल है कि अगर मैं कभी भी बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफ़र जब होगा तो उसमें ट्रांसफ़र क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। प्रोटॉन क्यों ट्रांसफ़र नहीं होगा? क्योंकि प्रोटॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर में जाके बैठा हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन पे ना बहुत ही कम फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड एंड रिवोल्यूटिंग अराउंड द सर्कल, जो भी आप उसके रेडियस में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटॉन के बारे में बात करते हो तो दैट इज प्लेस्ड और सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और अगर वो इनसाइड द न्यूक्लियस है तो कभी भी इस पर क्या है ना कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, बट फॉर दैट पर्पस वी हैव टू अप्लाई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फोर्स। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे 12th के पार्ट में, जिस टॉपिक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्या नाम है बच्चा लोग? मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब कभी भी हमारे को बॉडी को चार्ज करना होगा ना, तो हमेशा किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कहा जाता है कि अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, उसका क्या मतलब है? लेकिन उसके पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर एक बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है? एक बॉडी न्यूट्रल है उसका क्या मतलब होता है? तो आपको ऐसा लगता होगा कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नहीं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पर चार्ज होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो नेट इफेक्ट जो है ना उसका क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो अगर कभी कोई आपको बोलता है कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर क्या चार्ज है क्या? जी बिल्कुल, उस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के
बराबर होने वाले हैं। समझ आ रहा है क्या? तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना माइनस उतना ही क्या होगा, प्लस होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का क्या मतलब है? जैसे अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और मैंने इस पे से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस ई आ जाएगा। प्लस ई का क्या मतलब है कि जब भी कभी भी आपके पास ना कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो जो डोनर होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या सिग्निफाइज करता है, कि देयर इज डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ कि ये जो है ना, ये एक्सेप्टर है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका एक और मतलब हो सकता है कि अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, वहाँ पे आपके पास एक्सेसिव नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? तो मुझे खुद ही बताइए कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ज़्यादा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ज़्यादा? ध्यान से समझिएगा, अगर हमने बोला कि हमारे पास एक बॉडी और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे पहले और दो प्रोटॉन थे, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे क्या बचेंगे बोलिएगा, अब यहाँ पे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा दो प्रोटॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल के बाहर चला गया है। तो दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम गया है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेट चार्ज क्या हो गया है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होने वाला है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। लेकिन अगर आप बात करते हैं हमारे सामने में कि हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, कैसा है, हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका क्या मतलब है, निगेटिवली चार्ज बॉडी का सिंपल सा मतलब है हमारे पास कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्रेटर देन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे दो इलेक्ट्रॉन थे पहले और दो प्रोटॉन थे, किसी ने बोला इसको कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लो, कहीं से इलेक्ट्रॉन आया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, देन व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दो प्रोटॉन आ जाएगा। तो आप अगर देखोगे ना तो एग्जैक्टली में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के टर्म में आ जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है निगेटिव चार्ज कि देयर इज़ द एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। क्या बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने आपको यही बताया, अगर आप पिछले स्लाइड में चलेंगे तो मैंने यही यहाँ पे आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, और कितने तरह के चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं दो तरीके के, और कितने तरीके से चार्ज डेवलप हो सकता है, तीन तरीके से, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज हो, न्यूट्रल चार्ज बॉडी हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, नेट जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा आपके पास। अगर कुछ और बातें करते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज की बात कर रहे हैं। मैंने बोला अगर आपके पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इनके बीच में क्या होना है, रिपल्सन होना है। क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या, क्योंकि जो दो सेम नेचर के चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को देख के दूर भागते हैं, ठीक है क्या। अगर एक लड़का है दूसरा लड़का है, एक लड़का दूसरा लड़के को देख के दूर भागेगा, नॉट इन द सेंस कि उनके बीच में अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन एक लड़का है एक लड़की है उनके बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक निगेटिव है और यहाँ पे एक निगेटिव है, तो क्या ये भी आपके पास लाइक चार्जेस हैं? इस तरीके के चार्जेस को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, मतलब सेम नेचर ऑफ द चार्जेस, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसका क्या मतलब समझे कि पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये दोनों चार्ज बॉडी जो हैं उसको बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है कि इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगा बच्चा लोग, इनके बीच में होगा आपके पास अट्रैक्शन। तो आज के बाद आपको ये भी याद रखना है कि टू सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, और टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस के बीच में प्रेम होगा और सेम चार्जेस के बीच में हमेशा दुश्मनी होने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। कुछ और बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इसका नोटेशन क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं।
अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो ये होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। समझ आ रहा है क्या? और अगर आप चार्ज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है वो होगा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सेम वे में अगर आप प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा, बस उसका साइन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप चार्ज ऑन प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लेकिन अगर आप मास ऑफ द प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपके पास एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल क्या है, मोस्ट एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स आर, एलिमेंट्री मतलब कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। मोस्ट एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना कि एटम सबसे छोटा है, नहीं, एटम से भी छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है आपके पास। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुझे पैसे देने हैं और मिनिमम कितना पैसा आप मुझे दे सकते हो, तो इन टुडेज सिनेरियो आप मुझे एक रुपये से कम नहीं दे सकते। अगर आप मुझे कैश में दे रहे हैं तो यू कैन नॉट गिव मी लेस देन 1 rupees। क्यों? क्योंकि 1 rupee से छोटा सिक्का तो चलता ही नहीं है। चलता है क्या, 1 rupee से छोटा सिक्का चलता ही नहीं है। इसका मतलब आप मुझे मिनिमम कितना दे सकते हैं, 1 rupee। तो यहाँ भी सेम है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है। तो आप या तो 1 electron देंगे, 2 electron देंगे, 3 electron देंगे, लेकिन 1.5 electron नहीं दे सकते, 2.5 electron नहीं दे सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द चार्ज। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते कि भैया इलेक्ट्रॉन है उसको तोड़ के आधा आधा इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है क्या? तो होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मोस्ट एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जो होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है। अभी के लिए हम यही मानेंगे कि थोड़ा लेट चलेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम पे कि इलेक्ट्रॉन से भी एलिमेंट्री एक चीज़ ढूंढी गई है, इलेक्ट्रॉन से भी मोस्ट एलिमेंट्री चीज़ एक ढूंढी गई है जिसका नाम है क्वार्क्स। मतलब इलेक्ट्रॉन से भी मोर एलिमेंट्री क्या है नाम उसका, क्वार्क्स। आप सब लोगों ने सुना होगा क्वार्क्स के बारे में। और क्वार्क्स क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि क्वार्क्स जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं, ये ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी बोर्ड्स में सवाल आते हैं। क्वार्क्स के 2 कंपोजिशन होते हैं, एक होता है, समझ आ रहा है क्या, एक होता है डाउन कंपोजिशन, एक होता है अप कंपोजिशन। ठीक है, एक होता है अप कंपोजिशन, एक होता है डाउन कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि एक होता है UUD कंपोजिशन और एक होता है UDD कंपोजिशन। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि UUD क्या है और UDD क्या है। अगर आप बोलोगे U के बारे में तो U क्या है ना, प्रोटॉन को बताने की कोशिश करता है। क्या, किस किस को बताने की कोशिश करता है, प्रोटॉन को। और इस पे जो चार्ज आपके पास होता है वो कितना होता है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मैं आपको बता यू के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ U के बारे में, तो इस पे चार्ज हमेशा क्या होगा, +2E/3। और D पे कितना चार्ज होगा, -E/3। अब सोचिए कि अगर मैं UDD के बारे में थोड़ा बताता हूँ तो इस पे कितना चार्ज होगा, U+D। तो U को क्या लिखा मैंने, 2E/3। और इस U को क्या लिखा मैंने, फिर से 2E/3। और D को कितना लिखा मैंने, E/3। मतलब समझे क्या कि ये UUD और UDD जो है ना, ये अप कंपोजिशन है, डाउन कंपोजिशन है। ठीक है क्या? तो 2E/3 और 2E/3 आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 और -1, क्या ये 3E/3 आ जाएगा क्या? क्या 3 ने 3 को मार दिया तो क्या बचा, E। और आपको पता है कि प्लस E का मतलब क्या है, प्रोटॉन। क्या है ये, प्रोटॉन। तो ये जो अप कंपोजिशन है ना UUD, ये प्रोटॉन के कंपोजिशन को बताता है। किसके कंपोजिशन को बताता है, प्रोटॉन के कंपोजिशन को। और U हमेशा 2E/3 होगा। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को छोटा नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने 2E/3 लिखा है। हाँ,
इसलिए बोला है कि अभी डिस्कवरी हुई है लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट एनसीईआरटी कभी कभी पूछ लेती है कि यूयूडी प्रोटॉन होता है कि यूडीडी प्रोटॉन होता है कि कौन सा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने जब यूयूडी कंपोजिशन चेक किया तो हमारे पास ई आया, और ई किसका होता है सिंबल, एक पॉजिटिव चार्ज सिर्फ से प्रोटॉन पे होता है। अगर मैं यूडीडी के बाद डाउन, इसको क्या बोलते हैं, डाउन क्वार्क्स, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउन क्वार्क्स बोलते हैं। अब सोचिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर मैं बोलूँ यूडीडी, यूडीडी का क्या मतलब है, यू का कितना होता है चार्ज 2e/3 और डी का कितना होता है -e/3 और डी का कितना होता है -e/3। अगर आप इसको एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा 2e-e-e, पूरा क्या हो जाएगा 0। देन आई रियलाइज कि अगर मैं यूडीडी के बारे में बात करता हूँ ना तो यूडीडी क्या है, यूडीडी बताता है कि हमारा कंपोजिशन जो नेट चार्ज का है ना 0 है, और नेट चार्ज 0 कहाँ पे आता है, दिस इज ऑन द न्यूट्रॉन। कहाँ पे आता है माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑन द न्यूट्रॉन। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा प्रोटॉन का क्वार्क्स कंपोजिशन होता है, क्या बोला मैंने, जो हमारा प्रोटॉन का क्वार्क्स कंपोजिशन होता है वो क्या होगा बोलिएगा, यू यू डी, और यू हमेशा कितना होगा 2e/3 प्लस में, और डी हमेशा कितना होगा -e/3, सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रॉन का कितना होगा आपके पास, व्हाट इज द क्वार्क्स कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये होगा यू डी डी, और फिर से आपको पता है यूडीडी में आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिएगा, बहुत आपको काम आ जाएगा, विदाउट एनी डाउट आप बहुत मजे से इसको कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, क्लियर है क्या। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, दीज ऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ आपके सामने में, थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हमने तीन कौन सा पॉइंट लिया था, अभी सेकेंड पॉइंट लिया था यहाँ पे, चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज के बारे में बात चल रही है, मैंने बोला चार्ज इसका यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो आप देखोगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चा लोग, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। अब सोचिए कि ये कूलम्ब होता है, चार्ज का यूनिट कहाँ से आया, कहाँ से आया, आपने ये 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो I इक्वल टू होता है करंट, वो क्या होता है dQ/dt, क्या होता है dQ/dt, जहाँ पे dQ क्या है चार्ज है और ये क्या है टाइम है। बहुत बढ़िया, आप खुद ही सोच के बताइए कि करंट इक्वल टू dQ/dt होता है कि नहीं होता है। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा I into time। और हमें पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज होते हैं, जिसमें चार्ज भी एक है, जिसमें क्या है चार्ज भी एक है। तो I क्या है करंट, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है। तो चार्ज को एक और यूनिट के नाम से आप जान सकते हैं एम्पियर सेकेंड, चार्ज को क्या बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि चार्ज इज ऑल्सो नोन एज द एम्पियर सेकेंड, क्या सब लोगों को क्लैरिटी है क्या बोलिए। तो चार्ज के कितने यूनिट हो गए, ये अगर मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ बेटा, याद रखना मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो या तो आप इसको बोल सकते हैं कूलम्ब, या तो आप इसको बोल सकते हैं कूलम्ब, और या तो आप इसको बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, अगर मैं थोड़ा डायमेंशंस के बारे में बात करूँ, इसके डायमेंशंस इसके कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे आपने बोला कि क्यू का वैल्यू क्या होने वाला है आई इंटू टी होने वाला है, और आई को क्या लिख सकते हैं एम्पियर ए से डिनोट कर सकते हैं, और टी को किसे डिनोट कर सकते हैं टी से डिनोट कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन आपके पास चार्ज का होने वाला है, डायमेंशन ऑफ चार्ज वो क्या होगा, आप मुझे थोड़ा सोच के बता दीजिए। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज सिंपली एम्पियर सेकेंड, सॉरी डायमेंशन लिख रहे हैं ना, मैंने यूनिट लिख दिया। डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, ये लीजिए डायमेंशन लिखेंगे आप लोग ए इंटू टी। तो कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि डायमेंशन इसका क्या होने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब लोगों को, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है करके, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार एक छोटी सी और बात है कि चार्ज के बड़े सारे प्रॉपर्टी होते हैं, चार्ज के बड़े सारे प्रॉपर्टी होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रॉपर्टी आर। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखूंगा और आपको समझाते चलूंगा, और ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या है प्रॉपर्टी? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा दिया, ठीक है क्या, तो अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आके चार्ज हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये बॉडी है जो चार्ज है, हमारे पास क्या है, ये चार्ज बॉडी, दिस इज ए चार्ज बॉडी, और हमारे पास इसके ठीक बगल में क्या है, इसके बगल में हमारे पास है अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर ये चार्ज बॉडी है तो इस पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो होंगे ही, और मोस्टली हमें प्रोटॉन से मतलब नहीं है। क्यों प्रोटॉन से मतलब नहीं है? कि अगर दो बॉडी को टच भी करा दिया ना तो प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोटॉन इज इन द बाउंडेड स्टेट इन साइड द न्यूक्लियस। सो इफ वी वॉन्ट टू रिमूव द प्रोटॉन इन साइड द न्यूक्लियस, देन वी हैव टू अप्लाई द लार्जर अमाउंट ऑफ द फोर्स, एंड दैट फोर्स वी आर नॉट सिंपली एबल टू अप्लाई ऑन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इज सो मच हैवी, न्यूक्लियस इज सो मच हैवी, तो इसका मतलब ये है कि आसानी से अपने प्रोटॉन को बाहर नहीं जाने देगा वो। तो इसका भी मतलब है कि चार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी है, तो अगर इन दोनों को मैंने टच करा दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद अगर मैंने इसके कांटेक्ट को हटा लिया तो हो सकता है कि ये दोनों क्या हो जाएं, चार्ज हो जाए। ये भी चार्ज, ये तो पहले से था बेचारा चार्ज, और ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इससे पता चलता है क्या कि जो चार्जेज होते हैं ना वो ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं ना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। पहला पॉइंट समझ आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्ज जो है ना वो मास के साथ एसोसिएट है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि वी हैव ए चार्ज पार्टिकल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मास पार्टिकल। नो, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। दैट्स वाई इट इज ए वेरी वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इफ मास एग्जिस्ट देन देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द चार्ज ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्वांटाइज्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने बोला कि अगर आपके पास ये बॉडी है, हमारे पास क्या है, ये बॉडी है, और हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, अगर इस दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, तो मेरे को समझ में आता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे e/3 इलेक्ट्रॉन चला जाए। समझ आ रहा है? क्यों नहीं जा सकता e/3 इलेक्ट्रॉन? इसको मन किया इस वाले एटम को कि मैं बगल वाले को e/3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो नहीं जा सकता क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द चार्ज पार्टिकल। उससे एलिमेंट्री कुछ होता ही नहीं है, और अगर वो सबसे ज्यादा एलिमेंट्री है, इसका क्या मतलब समझे? इसका सिंपल सा मतलब बस यही है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द इलेक्ट्रॉन सब्सिक्वेंटली, इसका मतलब है कि आपको उतना ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 2e/3 e/3, ठीक है, इस तरीके नॉट पॉसिबल है। ऑल दो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि क्वार्क्स के कंपोजिशन कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, बट जो क्वार्क्स कंपोजिशन है ना, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। क्वार्क्स क्या है? नॉट इन सिलेबस। तो अगर मैं अपने सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो आपको क्वार्क्स को नहीं मानना है अपने सिलेबस में, इसलिए आपको ये नहीं मानना है कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया जा सकता है। एंड टिल नाउ वी डोंट हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वार्क्स, तो इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करना आज के डेट में सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो हमेशा इस तरीके से ट्रांसफर करिए, n इंटू e के फॉर्म में। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी का क्या मतलब है कि एन इज द इंटीजर, या ऐसा बोल सकते हो कि होल नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब जीरो तो ट्रांसफर करोगे नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, तो एन क्या हो सकता है? ये होल नंबर हो सकता है आपके पास।
होल नंबर से अच्छा मैं आपको लिखना चाहूँगा यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि होल नंबर में ना जीरो भी आ जाएगा, तो जीरो तो ट्रांसफ़र करते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल इंटीजर आपके पास होना चाहिए, सही है कि नहीं है। मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन लीजिए, इसी को बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। समझ पा रहा है सब लोगों को क्या? तो ये बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी बात थी जिसको आपको हमेशा क्या करना है, समझ के रखना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या बोलेंगे? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है? इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जैसा कि आप एनर्जी के बारे में पढ़े हुए हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन द सेम वे वी कैन से कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं, चार्ज जब भी क्रिएट होगा या चार्ज जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो पेयर में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पेयर में होगा, क्योंकि आपको न्यूट्रलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बाकी बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन कम आएगा लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो आपको हमेशा न्यूट्रलिटी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्वांटाइज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज जो बॉडी पे होना चाहिए वो रिमेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमारे पास एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम पे मैंने बोल दिया कि हमारे पास यहां पे 2q चार्ज है। कितना चार्ज है? 2q चार्ज है। यहां पे -3q चार्ज है, बहुत बढ़िया, और यहां पे +5q चार्ज है। और इसी बॉडी को थोड़ा देर के बाद जब मैंने देखा तो लोगों ने मेरे को बताया कि यार यहाँ पे ना -3q चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास +q चार्ज है, और यहाँ पे एक और चार्ज है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना है, और ये दोनों ही आइसोलेटेड बॉडी है और सेम बॉडी है, तो कितना होगा x का वैल्यू। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है कि चार्ज के बारे में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज चार्जेस को वी कैन ऐड विद द सिंपल लॉ ऑफ अल्जेब्रा। जिस तरह से अल्जेब्रा के सिंपल लॉज होते हैं, जैसे एडिशन मुझे करना है 3 mango + 4 mango, तो वी कैन टेल कि यस देर आर 7 mango ऑफ द टोटल। बट यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे टोटल चार्ज है तो क्या डायरेक्शंस की जरूरत है क्या चार्ज को? नो, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड। इट मीन्स कि द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज सिंपली 2q - 3q + 5q। सो द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज राइट नाउ 5 to 7 and 3 4q। बट इफ दिस इज द सेम सिस्टम एंड द टोटल चार्ज इज x - 3q and q, देन द टोटल चार्ज हेयर इज, वट इज द टोटल चार्ज, एंड वी कैन से टोटल चार्ज इज इक्वल टू -3q + q + x। इफ वी कैन इक्वेट बोथ द चार्जेस देन इट इज इजली इविडेंट दैट 4q = -3q + q + x, देन 7q - q x = 6q। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेस है ना, जो अननोन चार्जेस थे, उसका वैल्यू कितना है? 6q। नाउ आप इसको चेक कर सकते हो, 2, 5, 7, 7 में से 3 गया 4, टोटल 4 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 और 1, 7, 7 में से 3 गया चार्ज। दिस इज द पावरफुल कंसेप्ट कि हमेशा चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कंजर्व होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कभी भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात अगर आप करेंगे ना चार्ज के बारे में, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, और वो कैसा होगा वो ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज इज एट रेस्ट। हमारे पास एक चार्ज है और चार्ज इज एट रेस्ट, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एग्जिस्ट। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, 2-3 लेक्चर के बाद। अगर चार्ज मान लीजिए मोशन में है, अगर चार्ज इज इन मोशन, सर चार्ज मोशन में कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे तो चार्ज मोशन में ही तो रहता है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। चार्ज मोशन का मतलब क्या है कि चार्ज इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सही है क्या? और अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज इज एक्सेलरेटिंग
इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, इसका क्या मतलब आप लोग समझे हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो उसका सिर्फ एक ही कहानी होने वाला है, उसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, दोनों होगा। अभी आपको बहुत अच्छा भी नहीं भी लग रहा होगा अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, तो भी आप समझ लीजिए कि अगर चार्ज मोशन में रहता है तो देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं होगा। अब आपको फिर से चक्कर आ गया होगा कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये फर्दर आप पढ़ेंगे 12th लेक्चर में ही, जब आप बाद में पढ़ने वाले हैं ना मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, वहाँ पे आप देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी थोड़ी बातें होगी। लेकिन अगर आप चार्ज एक्सेलरेट करा रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या होने वाला है, वो इमिट होने वाला है, ठीक है क्या। वो आपने मैक्सवेल का पढ़ा भी होगा लो कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है ना हमेशा रेडिएशन को इमिट करता है, यहीं से निकल के आया है, जिसके लिए उनको बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या करता है इमिट करता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, बट इफ द चार्ज इन द यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सेलरेशन, देन मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट बट देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted from the charge particle. But if the charge is accelerating, accelerating का मतलब motion में तो होगा ही, in that case electric field exists, magnetic field exists, but along with that there is always the electromagnetic radiation emitted from the charge particle, right? So these are the some basic concept जो हमने charge के बारे में discuss करा है, और अगर आपको ये basic concept याद आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको charge के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर सुनाया है और ये जो मैंने आपको चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो आपको बिल्ड करना है ताकि आप फर्दर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें तो आपको कोई भी कष्ट का सामना, कोई भी दुख का सामना, कोई भी पीड़ा का सामना करना ना पड़े। तो होप कि इसको बेहतर तरीके से आप देखेंगे तो आगे के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपको सामने में कि किस तरीके से हम ना इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, उसको कैसे मैग्नीट्यूड के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कोई और नहीं, वो बताने वाले का नाम है कूलम्ब साहब, और कूलम्ब फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसके लॉज हैं, किस तरीके से वो इफेक्ट करता है, कैसे मीडियम बदलने से उसके फोर्स चेंज होते हैं, ये सब हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।